अपने देश में लोगों को जानकारी नहीं है, दे कम लेट है, कुछ अलग सी चीज ब्रेस्ट पे लग रही थी, पर मुझे ये आदत है कि छुपाने की, हम लेडीजों की जो आदत होती है कि हम डॉक्टर को भी नहीं बता जाना चाहते, अपने हस्बैंड को भी नहीं बताना चाहते। रोगियों के प्रति सामाजिक पूर्वाग्रह से निपटने के लिए अपोलो हॉस्पिटल का अभियान, अपोलो कैंसर सेंटर द्वारा अनमास्क कैंसर अभियान का आयोजन। अपोलो कैंसर सेंटर एसीसी गर्व से अनमास्क कैंसर को कैंसर के बाद के जीवन की एक मार्मिक खोज के साथ साथ कैंसर के बारे में सच्चाई को उजागर करने तथा गलत धारणाओं को दूर करने और समाज में सहानुभूति बढ़ाने के रूप में प्रस्तुत करता है। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर एसीसी ने कैंसर से बचे लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव के दुर्भाग्य, इसी को उजागर करने के लिए उपस्थित लोगों ने अधिक जानकारी दी है। दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता को उजागर करने के लिए यह साहसिक कदम उठाया है। कैंसर अनमास्क कैंसर से बचे लोगों की यात्रा है, जो अपने असाधारण कौशल और योग्यता का प्रदर्शन करने के बावजूद अपने कैंसर के इतिहास से उत्पन्न सामाजिक पूर्वाग्रहों से जूझते हैं। अभियान पूर्वाग्रह के व्यापक भय को उजागर करता है, जो लोगों को अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण पहलू को छिपाने के लिए मजबूर करता है और अनगिनत अन्य लोगों के अनुभवों को प्रतिबिंबित करता है जो इस तरह से भेदभाव का सामना करते हैं। इसको उजागर करने के लिए उपस्थित लोगों ने अधिक जानकारी दी है। रिलेटिव्स कोणी बोलत नाही कामावर, त्यांना एक दुसऱ्या पद्धतीने बघितलं जातं, त्यांना प्रमोशनच्या ऑपॉर्च्युनिटीज दिल्या जात नाही, लोकांची लग्न मोडलेली आपण पाहिलेली आहेत निव्वळ कॅन्सर डिटेक्ट झाल्यामुळे। अपोलो कॅन्सर इन्स्टिट्यूटच्या बाबतीत आपण हे सांगतो आहे की कॅन्सर आजकाल कॉन्करेबल आहे, जर अर्ली डिटेक्शन कॅन्सरचं करण्यात आलं तर 100% कॅन्सर बरा होऊ शकतो आणि कुठलाही कॅन्सरचा रोग कंटेजियस नसतो, एक दुसऱ्यांमधनं त्याचा प्रादुर्भाव होण्याचे चान्सेस ऑलमोस्ट झिरो असतात। तर या सगळ्या ह्याच्यात आपली ही जी मुवमेंट आपण चालवतो याचा मेन उद्देश हाच आहे की लोकांना वाळीत टाकायला नको, त्यांना इन्क्लुझिव्ह अप्रोच केलं पाहिजे, त्याच्याबद्दल बोललं पाहिजे आणि हे मानसिक यांना जे दडपण असतं कॅन्सरच्या पेशंट्सना, ते आपण सगळ्यांची जबाबदारी आहे, सामाजिक जबाबदारी आहे की हे यांना सगळ्यांना तो कॉन्फिडन्स लेवल दिला पाहिजे। अर्ली डिटेक्शन हे कॅन्सरच्या बाबतीत खूप महत्त्वाची बाब आहे। जितक्या लवकर तुम्ही ॲन्युअल स्क्रीनिंगचे प्रोग्राम घेत चालाल, जिथे आपल्याला फॅमिलीमध्ये ऑलरेडी हिस्ट्री असते कॅन्सरची, तिथे कॅन्सर होण्याची प्रोबॅबिलिटी जास्ती असते। तर या सगळ्या घटकांमध्ये जितक्या लवकर तुम्ही स्वतःला कॅन्सरचं स्क्रीनिंग करू शकाल, डिटेक्ट करू शकाल, ही एक महत्त्वाची बाब आहे। लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन जे आपण म्हणतो, आजकालच्या याच्यात आपल्याला वाढलेली वयं दिसतात, वाढलेली वजनं दिसतात, या सगळ्या याच्यात आणि लहानपणी पण चाइल्ड ओबेसिटी जे आपण म्हणतो, शाळांमध्ये पण आपण बघतो, या सगळ्याच्या बाबतीत खबरदारी घेतली पाहिजे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट मुसायद साद, पंकज बिनवंसी, रिपोर्ट आवाज टुडे, नवी मुंबई।